मई में होगा आईपीएल का आयोजन, अंतिम रूप देने जाएगा बीसीसीआई का डेलीगेशन। कमलनाथ के भारत को कुख्यात बताने वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फेम मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस की मांग, वैक्सीन सप्लाई की हो सीएजी ऑडिट। एएमयू ने जारी किया हॉस्टल खाली करने का आदेश, छात्र नेताओं ने जताई कड़ी आपत्ति। वाईसी मोदी के बाद एनआईए के डीजी का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह। राकेश टिकैत को धमकी देने के मामले में एक गिरफ्तार, गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। देश में 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर, सरकार ने 13 से 16% तक बढ़ाया न्यूनतम किराया। देश में कोरोना के 22.28 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में 3,617 मौतें। देश में कोरोना के 1.73 लाख नए मामले, पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 2.84 लाख से ज्यादा संक्रमित। बंगाल के सुखेंदु का बीजेपी पर तंज, वे उपदेश दे रहे हैं जिन्हें 3 हफ्ते पहले जनता ने दिखाई थी जगह। 2.84 लाख से ज्यादा संक्रमित। बंगाल के सुखेंदु का बीजेपी पर तंज, वे उपदेश दे रहे हैं जिन्हें 3 हफ्ते पहले जनता ने दिखाई थी जगह। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता। साइक्लोन यास को लेकर भुवनेश्वर में हुई बैठक को पीएम ने बताया उपयोगी, की ओडिशा की तारीफ। केंद्र पर सिसोदिया का वार, कहा हमारी सरकार वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी।
चालक दल से खराब बर्ताव पर अमेरिका सख्त, चीनी कंपनी से समुद्री भोजन का आयात रोका। सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइंस पर बोले सुंदर पिचाई, हम भारतीय कानूनों का पालन करेंगे। सुशील कुमार को लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, सुनवाई शुरू। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 687 नए मामले आए, 19 मरीजों की जान गई। अगले 12 घंटों में नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ FIR चुनाव से पहले भड़काऊ टिप्पणी।